हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ एक मोमेंट क्रिएट होता है, दोनों सॉन्ग सुनते हुए चले जा रहे होते हैं। जैसे जैसे उन दोनों का हार्ट टच होता है, दोनों को बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। लेकिन कोई एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है, कुछ भी बात नहीं। और शॉपिंग करके इस तरह से दोनों वापस आ जाते हैं घर पे, बिना किसी बात के, बिना किसी गुफ्तगू के। दोनों घर आते हैं, डिनर वगैरह करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद श्रुति को लगता है कि अक्ष को इसी रूम में बुला लेना चाहिए, कब तक वो ऐसे नीचे सोएंगे। होता ये था कि अक्ष मॉम के सामने तो अपने रूम में जाते थे, लेकिन जो उन्हें ये लगता था कि सब सो गए होंगे, तो धीरे से नीचे वाले रूम में आ जाते थे। तो श्रुति सोचती है कि कब तक ऐसे सोएंगे वो, उन्हें यही बुला लेती हूँ। ये सोच के श्रुति नीचे जाती है। तो उस रूम की तरफ जाती है जिसमें अक्ष सो रहे होते हैं। उस रूम की तरफ जाके हल्का सा नॉक करती है, तो अक्ष डोर ओपन नहीं करते। तो हल्का सा पुश करती है तो डोर ओपन हो जाता है। अंदर जाती है, देखती है कि अक्ष तो गहरी नींद में सो चुके होते हैं, बिल्कुल गहरी नींद में। वो थोड़ा सा उनको हिलाती है, आवाज लगाती है, लेकिन अक्ष कुछ नहीं बोलते। श्रुति कहती ये तो नहीं सोते कभी भी इतनी गहरी नींद में, इन्हें तो नींद ही नहीं आती जल्दी, आज क्या हो गया। तो ऐसे ही सोच रही होती है तभी उसकी नजर वहाँ एक बोतल पे पड़ती है। वो बोतल उठाती है, देखती है कि उस बोतल में वो स्लीपिंग पिल की बोतल होती है। तो फिर अक्ष की तरफ देखती है और उसकी आँख पर आती है और मन में सोचती है कि कब होगा सबसे, कब, जब ये बिना नींद की गोली के सोएंगे। कब होगा सबसे जब इन्हें नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। कब होगा सबसे कि बिना किसी टेंशन के सुकून की नींद सो पाएंगे। कब ऐसा कब होगा। और ऐसे ही सोचते सोचते वही अक्ष के सीने पे अपना सर रख देती है और वहीं बैठे बैठे उसकी धड़कनों को महसूस करने लगती है। अक्ष को तो कुछ खबर ही नहीं होती नींद की गोली की वजह से। श्रुति भी वहीं उनके सीने पे सर रखे, उन्हें कम नींद आ जाती है, उन्हें भी नहीं पता चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो अक्ष का अलार्म बजता है। जैसे ही अक्ष का अलार्म बजता है श्रुति की आँख खुल जाती है। इधर अक्ष की भी खुलने वाली हो रही होती है, तभी श्रुति फटाफट उनके ऊपर से हट जाती है और खड़ी हो जाती है। श्रुति जैसे ही खड़ी होती है, अक्ष भी अपनी आँखें खोलते हैं और देखते हैं कि सामने श्रुति है। तो
वो एकदम से बेड से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कुछ चाहिए था क्या? आप यहाँ पे सब ठीक है ना? तो श्रुति कहती है, हाँ सब ठीक है, आप इतना परेशान क्यों है? तो अक्ष बोलते हैं, नहीं परेशानी वाली कोई बात नहीं है, जस्ट आस्क कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप आते नहीं हो ना मेरे रूम में इसलिए। तो श्रुति कहती है कि एक्चुअली मैं भी उठ के रूम में से आई तो देखा कि ये रूम खुला हुआ था, बंद नहीं था, देखिए अभी भी गेट खुला हुआ है। तो मुझे लगा मैं एक बार आपको चेक कर लूँ, आपने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा है या नहीं, और डोर क्लोज कर दो। तो अक्ष बोलते हैं, ओके बट अब तो आप भी उठ गई हैं और मैं भी, तो वैसे आप एक बात पूछो अगर आप गुस्सा ना करें तो। अक्ष बोलते हैं, तो श्रुति कहती है, नहीं मैं गुस्सा क्यों करूंगी, पूछिए क्या पूछना है। तो श्रुति जब ये बोलते हैं तो अक्ष कहते हैं कि वैसे तो जब आप रूम में से निकलते हो तो फ्रेश होके शावर लेके तब आते हो, आज ना आपने शावर लिया ना फ्रेश हुई, फिर क्या बात है? तो श्रुति एकदम हड़बड़ा जाती है, वो कहती है कि एक्चुअली ना मॉम ने बुलाया था तो इसलिए मैं जैसी थी वैसे ही चली आई, मुझे लगा शायद मॉम को कोई अर्जेंट काम होगा इसलिए, बाकी अभी जाके मैं शावर ही लेने वाली थी। तो श्रुति की तरफ ध्यान से देखते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि आर यू श्योर ना, आप सच बोल रहे हो? तो श्रुति कहती है, हाँ सच बोल रही हूँ, झूठ क्यों बोलूँगी? तो अक्ष कहता, चलो ठीक मैं जॉगिंग पे होके आती हूँ, आप भी अपने काम निपटा लीजिए। तो श्रुति कहते हैं ओके, ये कह के श्रुति चुपचाप जल्दी से बाहर निकलती हैं, बाहर आके दीवार के पास खड़ी होती है, कहती है थैंक गॉड बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता, पता नहीं क्या सोचते और क्या करते, समझ ही नहीं आता है कुछ, क्या कर देती हूँ मैं भी ना, कभी कभी यही सो गई, हे भगवान क्या कर दिया मैंने, मैं लिटरली क्या करूं। ये सोच के श्रुति फिर कहती, चलो उन्हें कुछ पता नहीं चला, थैंक गॉड बच गई। इधर वो अपने रूम में जाती है फ्रेश होने, और इधर अक्ष फ्रेश होके निकल रहे होते हैं तो ड्रेसिंग के सामने जैसे ही खड़े होते हैं उनकी नजर अपने चेस्ट पे जाती है, जहाँ श्रुति का सिंदूर लगा हुआ होता है। तो अक्ष सोचने लगते हैं कि ये कैसे, अगर ये अभी आई थी तो इनका सिंदूर मेरे शर्ट के पास मेरे चेस्ट पे कैसे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो वो ये सब सोचने लगते हैं, दूसरे पल वो पता नहीं क्या सोच के मुस्कुरा पड़ते हैं,
कहते हैं कि ये खुश रहा करे, अच्छी लगती है। और डरते हुए तो और भी अच्छी लगती है, अभी नहीं बाद में डराते हैं। सिंदूर अभी रहने देता है। और ये सोच के वो जॉगिंग पे निकल जाता है। इधर सोते हुए फ्रेश होके नीचे आते हैं, सब भी धीरे धीरे उठ जाते हैं। फटाफट सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, अक्ष का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उनकी मेडिसिन वगैरह सब लाके टेबल पे रख देती हैं। अक्ष भी धीरे धीरे मतलब तब तक लौट आते हैं और आके फ्रेश होने उसी रूम में चले जाते हैं। तो उनकी मम्मी बोलती हैं कि एक बात बताओ अक्ष, तुम नीचे वाले रूम में क्यों फ्रेश होते हो, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कोई बात है क्या? तुम दोनों में कुछ अब सच बता दो, बहुत दिन से पूछ रही हूँ, सब है ठीक या नहीं? हम तो अक्ष कहते हैं हाँ मॉम सब ठीक है, वो तो मुझे फ्रेश होना था जल्दी इसलिए मैं इसमें चली जा रही थी। तो उनकी मॉम कहती है अच्छा, मैं कैसे मान लूं तुम दोनों के बीच सब ठीक है, बताओ। तो अक्ष बोलते हैं मॉम सब ठीक है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, श्रुति तुम्हारे साथ क्यों नहीं होती रात में, अगर सब ठीक है तो तुम अपने रूम में क्यों नहीं सोते हो, श्रुति अलग तुम अलग, ऐसा क्यों? तो अक्ष कहते हैं कौन कहता है मैं और श्रुति अलग अलग सोते हैं, कहाँ देखा आपने, बोलो। तो कहते हैं कि मैंने श्रुति को आज नीचे वाले रूम से जाते देखा था। तो कहती है मॉम श्रुति नीचे वाले रूम में आई थी, उसे कुछ काम था, आप ही ने तो बुलाया था शायद। तो श्रुति भी वहाँ खड़ी होती है तभी कुछ लेके आती है वहाँ रखने के लिए, तो वो सुन लेती है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है, सोचती है कि ये क्या हो गया, मेरा वेदना खुल गया। तो उनकी मम्मी बोलती है मैंने बुलाया था, मैंने कब बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। तो श्रुति की तरफ देखकर कहते हैं क्यों मैडम, आपने नहीं बुलाया, मॉम तो कह रही है मॉम ने नहीं बुलाया था फिर। तो श्रुति कहती है वो एक्चुअली ना वो ऐसे करने लगते हैं। तभी अक्ष की मॉम कहती हैं कि मुझे जो मैं पूछ रही हूँ वो जवाब चाहिए, ये सब तुम दोनों बाद में देखते रहना किसने किसे बुलाया और किसने किसे नहीं बुलाया, समझ में आया, नौटंकी खत्म। तो अक्ष बोलते हैं मॉम हम साथ में ही थे, कहते नहीं मैं नहीं मानती। तो अक्ष कहते हैं प्रूफ दूँ। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखने लगते हैं कि क्या प्रूफ देने वाले हैं। तो उनके मॉम कहते हैं हाँ दो प्रूफ। तो अक्ष बोलते हैं ये देखिए। तो अपने ऐसे चेस्ट की तरफ उंगली करके दिखाते हैं। तो उनकी मॉम देखती हैं, कहती हैं कि ये क्या है, कहती मॉम आपको नहीं पता। श्रुति की मॉम मांग की तरफ देखी और फिर इधर देखी। तो आंटी देखती हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये श्रुति का सिंदूर है। तो श्रुति जब अक्ष की तरफ देखते हैं तो अक्ष उन्हें जान पूछ के गुस्से से घूर के देखते हैं। श्रुति की तो हालत खराब हो जाती है और उनकी मम्मी को थोड़ा सा चैन पड़ जाता है। वो वहां से चली जाती है। जब देखती हैं कि श्रुति अक्ष की तरफ देख रही हैं तो वहां से चुपचाप चली जाती हैं। अक्ष आगे बढ़ते हैं, श्रुति पीछे पीछे खिसके जा रही होती हैं।
और आगे बढ़ रहे होते हैं। श्रुति जैसे जैसे पीछे जा रही होती, दक्ष कहते स्टॉप, वहीं खड़ी रहना, हटना मत। तो श्रुति एकदम से खड़ी हो जाती है। दक्ष कहते हैं कि क्या था ये, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा मैं बेवकूफ हूँ, क्या नौटंकी है। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो तो ना मैं ना। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है, तब से उसकी नजरें झुकी हुई होती हैं। तो जब अक्ष की जुबान लड़खड़ाने लगती है तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है। तो अक्ष कहते हैं तू ना मैं क्या, मैं ऐसे ही मॉम को बता दिया करूंगी। और मैडम कुछ करने से पहले ना सब देख लिया करो, कोई सबूत तो नहीं छोड़ के जा रही हो पीछे, लिक्विड वाला लगाया करो, इसे छोड़ दो लगाना। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं रूम में अपने ऊपर। श्रुति पीछे से उन्हें जाते हुए देख रही होती है, तुम्हें अच्छा लग रहा होता है जो वो बोल के गए होते हैं। श्रुति के मन में दो लड्डू फूटते हैं कि चलो शायद कुछ आगे बढ़ रही है बात हमारी, कुछ अच्छा होगा शायद हमारे बीच में, ये वो सोच रहे होते हैं। और उन्हें काफी अच्छी फीलिंग आ रही होती है श्रुति को। इधर वो भी फ्रेश होकर फटाफट नीचे आते हैं। श्रुति उनका ब्रेकफास्ट लगाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह होता है और मेडिसिन वगैरह खिलाई जाती है उन्हें, और एज यूजुअल अपने काम में लग जाते हैं। वही पूरे दिन का रूटीन, समिता से बात, अपने ऑफिस का काम। श्रुति अपने घर के काम निपटा के अपने रूम में चली जाती है, अपने फोन पे टीवी सोना यही सब चलता रहता है। शाम के टाइम अनायशा और सना घर पे आती हैं। घर पे आने के बाद ऐसे इन लोगों का घूमने का प्लान बनता है कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो पहले तो अक्ष मना कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे जाना ही नहीं है। तो अनायशा और सना बोलती हैं, बहुत जिद करती हैं, तो कहते नहीं यार मुझे नहीं जाना, श्रुति जाएगी तो मुझे नहीं जाना है। तो सना बोलती है यार तुम्हारा हद नहीं हो गई है, जाने भी तो यार एज अ फ्रेंड तो बात कर ही सकते हो ना। तो अक्षर तो ऊपरी तौर पे कह रहे होते हैं कि नहीं जाना उसके साथ, बट जब इतना फोर्स किया जाता है तो फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलते हैं। सब ऐसे सोच रहे होते हैं कि अब श्रुति को मनाना पड़ेगा। तभी सना श्रुति की तरफ देखती है और कहती है श्रुति, श्रुति कहती है हाँ कि रेडी हो जाओ घूमने चलना है। श्रुति कहती है कि कौन कौन जा रहा है। तो अनायशा उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ और सना जा रही है और एक दो फ्रेंड जा रहे हैं हमारे बस। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है, अक्ष अपने फोन में बिजी होते हैं। तो श्रुति बोलती है ओके ठीक है। तो कहती है मतलब, कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी मेरा मन नहीं है, आप लोग जाइए। तो ऐसा कहती है अरे चलो ना यहाँ क्या करोगी रह के, अकेले बोर हो जाओगी। तो अक्ष बोलते हैं तब अपने फोन में से निकलते हैं, कहते हैं चलो यार लेट हो रहा है, श्रुति रेडी हो गई। तो श्रुति कहती है आप भी जा रहे हो। तो श्रुति को सामने देख के वो एकदम चुप हो जाते हैं। अक्ष
वो इधर उधर देखने लगता है। श्रुति कहती है आपसे पूछ रही हूँ आप भी जा रहे हैं? तो कहते हैं इतना कह के वो शांत हो जाते हैं बिल्कुल। श्रुति को हंसी आती है तो अनायशा की तरफ वो ऐसा गुस्से से घूर के देखती है, पड़ती है। श्रुति चली जाती है रेडी होने के लिए। थोड़ी देर में ये लोग रेडी होके नीचे आ जाते हैं, मतलब वो नीचे आ जाते हैं श्रुति, और ये लोग घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। वहाँ इनके भी फ्रेंड्स मिल जाते हैं, अक्ष के और सना के। ये सब घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं वहाँ पे काफ़ी। तभी अक्ष की नज़र वहाँ पे एक वॉच पे पड़ती है, राडो कंपनी की वॉच होती है, काफ़ी महंगी वॉच होती है। तो वो बड़े ध्यान से उस वॉच को देख रहे होते हैं क्योंकि अक्ष को वॉच का बहुत क्रेज़ होता है। तभी उनमें से उनके एक फ्रेंड बोलते हैं कि क्या देख रही है तू, वॉच तेरी औकात के बहुत बाहर है, रहन दे तू नहीं ले पाएगी। क्या 60-70 हज़ार रुपये कमा के इतने बड़े घड़े के इतनी बड़ी वॉच का सपना देख रही है, तेरी औकात नहीं है उसे लेने की। तो अक्ष उस बात को मजाक में टाल देते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई मेरी औकात नहीं है, बट ठीक है ना, इतनी महंगी वॉच पहननी भी किसे, वो तो मैंने बस ऐसे ही देख लिया था। और सही कह रही है, कह रहा है तू, इतनी महंगी वॉच की मेरी औकात नहीं है, 60-70 हज़ार रुपये जो कमाएगा वो इतनी महंगी वॉच पहनेगा तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा। तो वैसे बोल के बात को टालने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो बार बार उनके फ्रेंड उसका फ्रेंड मतलब अक्ष का जो फ्रेंड होता है वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है कि हाँ हाँ तेरी औकात तो पता है, बाप का ऑपरेशन कराना था तब भी उधार ही लिया था ना, अगर उससे मैं उधार नहीं लेता लेती तो वो भी नहीं होता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है तेरे को, मुझे देख। तभी अक्ष की नज़र श्रुति पे पड़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसके तो उनके दोस्त पे बहुत ज़्यादा। अनायशा और सना की नज़र भी श्रुति पे पड़ती है। अक्ष को तुरंत उस लड़की वाला सीन याद आ जाता है, माइंड में उनके घूम जाता है। श्रुति तुरंत आगे की तरफ पड़ती है उनके फ्रेंड की तरफ। तभी अक्ष उनका हाथ पकड़ लेते हैं जोर से, श्रुति का बहुत टाइटली हाथ पकड़ते हैं। श्रुति अक्ष की तरफ देखते हैं और उनसे इशारों में कहते हैं कि हाथ छोड़िए मेरा, मैं इसे बताती हूँ भी। अक्ष भी इशारों में कहते हैं रहने दो प्लीज जाने दो, लेकिन वो कहे कि लड़का भूले जा रहा होता है भूले जा रहा होता है, और श्रुति का पारा चढ़े जा रहा होता है। लेकिन अक्ष ने उनका हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है। तो देखते हैं अब इस लड़के का श्रुति क्या हल करने वाले हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।